खरगोन जिले के झिन्या क्षेत्र के ग्राम देवीत में नल जल योजना के माध्यम से विगत 15 वर्षों से पेयजल व्यवस्था का काम सुचारू चल रहा था, जिसे बंद कर दिया गया है, जिसके विरोध में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि गांव में पेयजल के लिए एकमात्र कुआं है जहां से पानी सप्लाई किया जाता है, जिस गाँव में पूर्व सरपंच आनंद राम जायसवाल ने बंद कर दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उक्त व्यक्ति पिछले 15 वर्षों से सरपंच था और अब हारने के बाद मनमानी करके लोगों को परेशान कर रहा है। उन्होंने जांच करने की मांग की है और अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो आंदोलन भी करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये मामला ग्राम देवित के ग्राम निमित्त से है। एक साल से बंद पड़ी है नल जल योजना, ना पीएचई विभाग ने ध्यान दिया है और ना ही पंचायत वालों ने दिया है, और इसका अंजाम गाँव वाले भुगत रहे हैं, क्योंकि गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। पानी में कोई दूसरा साधन नहीं है, इसलिए कृपया हमारा निवेदन है गांव वालों की तरफ से, मीडिया वालों से, सबसे कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि हमारे गांव में जो भी समस्या है पानी की, मेन पानी की समस्या है। पानी तो बहुत बड़ा डैम बना है लेकिन पानी नहीं आ रहा है हमारे गाँव में। गाँव की जनता बहुत परेशान है। ट्यूबवेल का बता रहे हैं कि ट्यूबवेल है ना, नल जल योजना नहीं चल रही है। ट्यूबवेल किसने करवाई थी? पीएचई विभाग ने। तो क्या कब्जा कर लिया क्या? नहीं, कब्जा नहीं, ध्यान नहीं दिया है ग्राम पंचायत देवित बुजुर्ग में, कोई पंचायत से ध्यान नहीं हुआ है और ना पीएचई विभाग से ध्यान हुआ है। अभी आप किस संबंध में यहाँ पर आए? हम इस संबंध में आए कि हमारे गांव में पानी सबको मिले, और ग्राम देवित में भी यही समस्या है। देवित में आनंद राम जायसवाल जी ने, उनके द्वारा जो भी वो बोल रहे हैं, बोले गाँव में नल जल योजना मैंने चालू कर रही थी अभी तक, तो वो ऐसा बोलते हैं कि पूरे गांव में मैं पानी दे रहा था, तो इसके वजह से पूरे गांव वाले परेशानी में हैं, और उनके यहाँ के पूरे पंप भी खोल लिए गए हैं और पूरी पाइपलाइन भी बंद की है। कहाँ के पंप खोल लिए गए? गांव के देवित पंचायत के। किसने खोले हैं? आनंद राम जायसवाल ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम दांगोड़े, सरपंच, अभी मैं नए इससे हुआ हूँ। जनता कहाँ से है आप लोग? ग्राम पंचायत देवित बुजुर्ग से आया हूँ। आनंद राम पिता रतनलाल जी जायसवाल, जिसके कार्यकाल 25 साल से नल जल योजना में सप्लाई करता था ग्राम क्षेत्र में देवी बुजुर्ग में, जिसकी पाइपलाइन की मोटर एवं सारा सामग्री उसने निकाल के उसके घर रख ली। क्यों निकाल ली? वो चुनाव हार गया है। तारीख 25 के बाद में 26 के दिनांक को उसने मोटर पाइप सामान सारा निकाल के उसके घर रख ली। क्या बोल के निकाला है सामान? उसने बोला कि मेरा व्यक्तिगत है, और शासन के द्वारा उसकी राशि निकली गई है, पंचायत द्वारा निकाली गई है, और वो 25 साल से, मतलब 15 साल से जल नल योजना चालू थी अभी तक। तो आपने उनसे बात करने का प्रयास किया? आज उसको बुलाया पंचायती में, सरपंच साहब के सामने, पूर्व सरपंच, अभी के वर्तमान सरपंच, और जनपद सदस्य, और जनपद सदस्य पहले वो था, अब वो हार गया चुनाव, उसके रंजिश के चलते हुए देखते, और बोल रहा है शिकायत जहाँ भी आपको करना हो कर दीजिए, पैसे मेरे से ले जाओ, मेरे पैसे ले जाओ शिकायत करने के लिए। क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि वो पुनः चालू किया जाए और उसकी जाँच की जाए कि वास्तविक में वो कुआँ सरकारी है और पाइपलाइन योजना सरकारी है कि नहीं है, इसका भुगतान शासन के द्वारा उसने यूज किया है कि नहीं, निकाली गई है कि नहीं राशि, इसकी जांच की जाए। क्या नाम है आपका? आनंद राम पिता रतनलाल ने निकाली गई है कि नहीं उसका? आपका क्या नाम? दिनेश कुमार हीरालाल जी जायसवाल देवी बुजुर्ग। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार हीरालाल जी जायसवाल देवी बुजुर्ग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।